सोमवार को ओबीसी आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। कुछ देर की बहस के बाद सदन में सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करवाने के कई अधिकार चुनाव आयोग की जगह राज्य सरकार के हाथों में होंगे, जिनमें आरक्षण तय करने की शक्ति भी शामिल है। इस विधेयक के बाद अब राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव हो सकेंगे। नए विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग तब तक चुनाव की घोषणा नहीं कर पाएगा जब तक सरकार चुनाव आयोग को वार्डों के गठन की रिपोर्ट नहीं देती। नए विधेयक के बाद सरकार के पास अब वार्ड बनाने के लिए 3 से 4 महीने का समय होगा। इस अवधि के दौरान सरकार ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के लिए डेटा एकत्र कर सकती है। इस विधेयक के पास हो जाने से जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों और मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायत में चुनाव करवाने और आरक्षण लागू करने की क्षमता होगी। इसके बाद चुनाव आयोग के पास अब वार्ड संरचना और आरक्षण तय करने की शक्ति नहीं होगी। मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार मध्य प्रदेश पैटर्न को लागू करने जा रही है। खास यह है कि इस नए विधेयक को भाजपा का भी समर्थन था। भुजबल के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की मजबूरी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह का विधेयक लाया वैसा ही विधेयक महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में पेश किया।